और इंदौर में आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हो जाएगा और इंदौर के ग्लोबल गार्डन में प्रवासी भारतीय आज वृक्षारोपण करेंगे। सभी एनआरआई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पेड़ लगाएंगे। बताते चले कि सीएम शिवराज हर रोज एक पौधा लगाते हैं। आज प्रवासियों के साथ सीएम पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने की अपील करेंगे। तो आपको बताते चले क्योंकि पर्यावरण को लेकर आए दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ लोगों से अपील करते हैं कि एक पौधा हर रोज जरूर लगाएं। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पौधारोपण करते हैं हर रोज। अब उनके साथ आज प्रवासी भी पहुंचेंगे और वो वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के साथ वृक्षारोपण करेंगे, ग्लोबल गार्डन में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जब प्रवासी ग्लोबल गार्डन पहुंचेंगे और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां सुंदर तरीके से ऐसे में प्रवासियों के लिए इसको काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है। प्रवासी भारतीय गार्डन में वृक्षारोपण करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ नजर आएंगे। जो संदेश सीएम द्वारा लगातार दिया जाता है वो संदेश आज प्रवासियों के साथ मिलकर सीएम सभी को देते हुए नजर आएंगे। पर्यावरण के प्रति एक वृक्षारोपण जरूर लगाएं। वृक्षारोपण कार्यक्रम आज जहां सीएम संग प्रवासी पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी विनोद शर्मा की ओर। विनोद, अब लगातार देखिए हम कार्यक्रम को लेकर अपडेट्स दे रहे थे पल पल की, क्योंकि आज आखिरी दिन है, राष्ट्रपति अब पहुंचेंगे। राष्ट्रपति को पहुंचने में कितना समय है और उसके बाद क्या क्या कुछ आज होना है कार्यक्रम में? देखिए मैं बता दूं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन है और आज अंतिम दिन भी है। तीन दिन हो चुके हैं इसको, आज तीसरा दिन है। राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो लगभग 11:30 बजे के करीब वो इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कार्यक्रम स्थल पर दोपहर के सेशन में शामिल हो पाएंगी, यानी दूसरे सत्र में शामिल होंगी। दूसरे सत्र में शामिल होने के बाद पूरा कार्यक्रम राष्ट्रपति महोदय की मौजूदगी में रहेगा, लेकिन उससे पहले जो पहला सत्र है उसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, वो संबोधित करेंगे। उनके साथ विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद भी रहेंगे। तो ये जो पूरा पहला सत्र चलेगा और पहले सत्र के बाद दूसरे सत्र में जब राष्ट्रपति वहाँ पहुँचेंगी तो उनका संबोधन होगा। उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रहेंगी, जो कि खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर, ऐसी महिलाएँ जो विदेशों में काम कर रही हैं, जो मूल रूप से भारतीय हैं, वो भारत के सहयोग में किस तरह से अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं, तो इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा होनी है और लगभग 5:30 बजे के आसपास समापन इसका हो जाएगा। बिल्कुल, समापन तो हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए, अब जिस तरह से कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आज पौधारोपण कार्यक्रम भी होना है सीएम के साथ प्रवासियों का। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से हर रोज एक पौधारोपण कर रहे हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, मध्य प्रदेश में रहें या देश के किसी अन्य राज्य में रहें, वो पौधारोपण करते हैं। वो एक तरह से कल उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम ग्लोबल पौधारोपण की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्लोबल पौधारोपण से मायने उनके ये थे कि जो लोग मूल रूप से भारतीय हैं, जो प्रवासी हैं, जो इस कार्यक्रम में आए हैं, वो अगर यहाँ पौधारोपण उनके साथ कर रहे हैं तो ये पौधा भारत और ऐसे लोग जो भारत में नहीं रह रहे लेकिन भारतीय हैं, उनके सहयोग से पौधारोपण होगा, तो इसे हम एक ग्लोबल भारत की तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ी पहल के रूप में देखेंगे। तो पौधारोपण की पहल सार्थक रहने वाली है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो यहाँ आए हैं। जब वो बार बार यहाँ आएंगे तो हर बार अपने पौधे को देखकर खुश होंगे, क्योंकि पौधा जब पेड़ होगा, पेड़ होने के बाद उसकी एक बड़ी लंबी उम्र होती है, तो कह सकते हैं कि उनकी एक निशानी के तौर पर भारत में वो रहेगी, जो हमेशा ये याद दिलाती रहेगी इंदौर में प्रवासी भारतीयों के समय इसका पौधारोपण किया गया था। बिल्कुल, 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। तो ऐसे में अगर हम कैटेगरी देखें, किस कैटेगरी के हिसाब से उन 27 लोगों को चुना गया है, क्या कुछ उनके लिए महत्व था कि 27 लोगों को सम्मानित किस विषय पर किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं, जो सम्मान दिया जा रहा है वो सम्मान अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए दिया जा रहा है। खासकर ऐसे प्रवासी जो अभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन्होंने अपने अपने देश में भारतीयों के लिए, जो मूल रूप से वहाँ रह रहे हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके समन्वय के लिए, आपस में समन्वय बिठाने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, जो भारत से जुड़ी हुई विरासत और ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन्हें सजाए और संवारने के लिए जो
महत्वपूर्ण काम किए हैं उस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अपने आप में एक ये बड़ा पुरस्कार है जो भारत का नेतृत्व तो उन गतिविधियों में करता है जो लोगों के कल्याण के लिए होती हैं। तो ऐसी संस्थाएं और ऐसे संगठन जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को ये अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। और ये अवार्ड अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक तो ये राष्ट्रपति यानी देश के राष्ट्र प्रमुख के हाथों से प्रदान किया जाएगा और उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जो जिस देश में रह रहा है वो भारत के लिए काम कर रहा है, वो भारत के मूल नागरिकों के लिए काम कर रहा है, जो भले ही दूसरे राज्यों में दूसरे देशों में रह रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दूसरे भारतीयों की चिंता है। किस तरह उनको दूसरे देश में रहते हुए अपने आप को, अपनी संस्कृति को और अपने कार्य क्षेत्र को मजबूत बनाना है, तो ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए अब लगातार इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव चल रहा है, ऐसे में पल पल की अपडेट्स दी जा रही है।